खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व राजदूत जेके त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। जिस तरीके से लगातार कोरोना की मार पूरे देश में, दुनिया में देखने को मिल रही है, केरल एक ऐसा राज्य है जहां पहली फ्लाइट आ रही है और कई जो बाहर काम कर रहे हैं विदेशों में वो लौटकर अपने घर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं खुशी की भी बात है, लेकिन एक चिंता का विषय भी है। देखिए, हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, देखिए, ऐसा है कि सिर्फ केरल ही नहीं, भारत के अन्य राज्यों से भी ये परेशानी हो रही है। और एक अनुमान के हिसाब से करीब 2 लाख से कम लोग भारत वापस ले जाए जाएंगे, जिनमें से बड़ी संख्या गल्फ में निवास करने वाले भारतीय प्रवासियों की है, और ये संख्या 4 लाख तक भी जा सकती है। अगर हम 2 लाख पे ही करें तो 2 लाख लोगों का मतलब 2 लाख लोगों की रोजगार वहां से नौकरी चली जाएगी, और 2 लाख लोगों द्वारा भेजा गया जो रिमिटेंस होता है फॉरेन करेंसी का, वो भारत में कम हो जाएगा। जैसा कि आपने सही कहा है कि एक 60 हजार करोड़ के करीब रुपया रोज हर साल भारत भेजा जाता है अप्रवासी भारतीयों द्वारा, जिसमें ज्यादातर करीब 60 हजार करोड़ के करीब ये रुपया होता है जो आता है गल्फ में स्थित भारतीयों से, और उसमें भी 75% से ज्यादा केरल के निवासी हैं। इसलिए केरल को एक समस्या तो होगी। यही नहीं, ये लोग वहां से नौकरी छोड़ के आएंगे, यहाँ उनके पुनर्वास, यहाँ उनको नौकरी देना, क्योंकि यहाँ एकाएक फिर हमारी बेरोजगारी की दर बढ़ जाएगी, जिसको अभी भी उम्मीद हम कर रहे हैं कि 26% होगी, लेकिन इन लोगों के आने के बाद शायद और भी ज्यादा दर बढ़ जाए। तो ये भारी समस्या का हमें सामना, दो मुखी समस्या का हमें सामना करना पड़ेगा। एक तो ये कि हमारे इन लोगों द्वारा भेजा गया पैसा कम हो जाएगा, दूसरा ये कि इनकी बेरोजगारी होगी जिसके लिए हमें रोजगार ढूंढना पड़ेगा, तीसरा ये कि इन लोगों को आते वक्त यहाँ पर क्वारंटाइन कराना पड़ेगा अस्पताल में या क्वारंटाइन सेंटर्स में। इतनी बड़ी तादाद में क्वारंटाइन सेंटर्स भी तैयार करने पड़ेंगे, डॉक्टर्स मेडिकल्स की तैयारी करनी पड़ेगी, उस पर भी खर्चा को लाया जरूर जा रहा है। लेकिन अगर देश की तरफ से, सरकार की तरफ से कहीं पर भी चूक हुई तो जो कोरोना का संकट है वो भारत पर कहीं 2 गुना जो ज्यादा है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि इतनी संख्या में लोगों का आना, एक तरफ तो आप देश में प्रवासी मजदूरों से लेकर हर चीज की दिक्कतें झेल रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से वंदे भारत मिशन चलाया जा रहा है, प्रवासियों को लाया जा रहा है, बाहर से लोगों को लाया जा रहा है, उसके बाद चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी चूक होती है तो असर पूरे देश पर पड़ेगा। जी देखिए, एक चीज ये भी है कि जो बाहर से गल्फ से लोग ले आए जा रहे हैं, कहा जाता है कि कम से कम 20,000 लोग उनमें से कोरोना से संक्रमित होंगे या 20,000 लोग डाउटफुल केसेस होंगे। अगर इन 20,000 लोगों को ले आया जाता है तो कितना ज्यादा इनमें इंफेक्शन के फैलाने की क्षमता होगी यहाँ आकर के, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन अब ये मजबूरी है, ये हमारे भारतीय हैं, वहाँ विपत्ति में पड़े हुए हैं विदेशों में, इसलिए उनको ले आना ले जाना हमारी मजबूरी है। और अभी इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ प्रथम चरण है जो एक हफ्ते तक चलेगा, जिसके दौरान इतनी फ्लाइट्स ले जाई जाएंगी, 64 फ्लाइट्स जाएंगी। इसके अलावा और देश जो हैं, बाकी लैटिन अमेरिका के देश, एशिया के कुछ देश, अफ्रीका के देश, यहाँ से भी लोग आएंगे दूसरे या तीसरे चरण में, उनका भी ध्यान रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के स्थिति बड़ी दुरूह और बड़ी भयावह हो रही है, लेकिन इसका मुझे उम्मीद है कि इसका कोई जवाब सरकार ने ढूंढा है या सरकार की प्लानिंग इसकी होगी, क्योंकि शुरू में ही जब ये बढ़ा था तो ये उम्मीद की जा रही थी कि बाहर से लोग लौटेंगे, और अगर लौटेंगे तो उनको लौटाना, उनको सुरक्षित रखना, उनको व्यवसाय देना, ये सब सरकार की जिम्मेदारी होगी, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, दोनों को आपस में शेयर करना पड़ेगा। ये वैश्विक विपदा है और इसके लिए हमें ये सब करना ही पड़ेगा।
सर जे के त्रिपाठी सर, अगर हम बात करें जिस तरीके से 20,000 लोग जो कोरोना डाउटफुल हैं, उनको लेकर सरकार की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही है कि उनको किस तरीके से लाया जाए, क्योंकि अगर वो किसी के संपर्क में आते हैं तो ये संख्या 20,000 से ज़्यादा हो जाएगी। अगर एक दो के भी संपर्क में आते हैं तो ये जो चेन है उसे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। आप इसको लेकर प्रशासन की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही है? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि बोर्ड करने से पहले इन लोगों सबसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें कई जानकारियाँ होंगी कि आप किसी बीमारी से, खांसी जुकाम बुखार वगैरह से तो भी नहीं पीड़ित हैं। इसके साथ ही वहाँ पर बोर्ड करने से पहले इनको इनको थर्मल स्कैनिंग इनकी की जाएगी, थर्मल स्क्रीनिंग। तीसरी चीज़ ये कि जब ये बोर्ड करेंगे तो इनको खाने का पैकेट पहले से ही दे दिया जाएगा ताकि कम से कम ह्यूमन कांटेक्ट रहे। चौथी चीज़ ये कि इनको सबको मास्क लगाना ज़रूरी होगा, और जो हमारे फ्लाइट अटेंडेंट्स भी हैं, फ्लाइट क्रू है, वो भी अपने पूरे गियर में रहेंगे। और फिर यहाँ आने के बाद इनको टेस्ट किया जाएगा, और सीधे इवेंट टेस्ट अगर नेगेटिव होता है तो भी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। एक चीज़ और कि उड़ने से पहले उन्हीं लोगों को ले जाया जाएगा जो कि संक्रमण जिनमें नहीं है या जिनमें किसी तरह के सिम्टम्स नहीं है। जिन लोगों में सिम्टम है या जो संक्रमित हैं उनको बाद में ले जाया जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा खतरा फैला सकते हैं। तो ये सावधानियाँ सरकार बरत रही है। अब उसके बाद देखिए, यहाँ आने के बाद लोग कितनी सावधानियां बरतते हैं, सिर्फ ये सरकार का जिम्मा नहीं हो जाता है, मरीजों का भी या जो संभावित मरीज हैं उनका भी जिम्मा हो जाता है कि अपनों से मिलने के लिए दौड़े नहीं, अपनों से गले लगाएं या वो सब ना करें, दूरी बराबर रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस महामारी का मुकाबला किया जा सके। जेके त्रिपाठी जी, जिस तरीके से अगर कोरोना के बाद ये जो कोरोना चल रहा है उस दौरान भी कोशिश की जा रही है कि अर्थव्यवस्था को थोड़ा ठीक किया जाए, कई ऑफिसेस खोले जा रहे हैं, प्रवासी मजदूरों को काम दिया जा रहा है, अगर अपने अपने राज्यों में जा रहे हैं उनको काम दिया जा रहा है, अब जिस तरीके से जो विदेश से लौट रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आप प्रवासी मजदूरों को काम दे रहे हैं क्योंकि वो भी अपना प्रदेश छोड़कर, जहाँ पर काम कर रहे थे वो छोड़कर अपने प्रदेश पहुँचे हैं, एक जिम्मेदारी राज्य सरकार की वो भी है कि उन्हें काम देना है क्योंकि उनके रोजी रोटी का संकट है। अब इन लोगों के लाखों की संख्या में पहुँचने के बाद भारत पर कितना असर इसका पड़ेगा? देखिए, इन लोगों की एक समस्या और है जो कि भारत में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने वाले प्रवासी मजदूरों के अलावा है। वो ये है कि ये लोग अच्छी खासी नौकरी गल्फ में या बाहर कर रहे थे, या अच्छे स्टूडेंट्स को छोड़ दीजिए तो ये लोग जो कमा रहे थे, अच्छा खासा कमा रहे थे, उसमें भेज भी रहे थे। अब एकाएक यहाँ आने पर अगर महामारी की स्थिति में इनको लगेगा कि इनके पास कुछ भी नहीं है तो मानसिक समस्या भी हो जाएगी, और अगर सरकार इनको अपने संसाधनों में, सीमित संसाधनों के तहत कुछ काम देती भी है तो क्या ऐसे लोग वो काम कर सकेंगे जिस काम को, जैसे वहाँ पर लोगों को ज़्यादा पैसा मिलता है लेकिन वो काम कर सकेंगे। और एक चीज़ केरल के संदर्भ में एक चीज़ और है कि केरल में जो केरलाइट्स मलयाली लोग वहाँ गल्फ में गए थे नौकरियां छोड़ करके, यहाँ वहाँ रिक्तता कायम कर गए थे, उनको बिहार के मजदूरों ने जाके भरा है। अब वहाँ उतने छोटे प्रदेश में जहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है, ये बड़ी समस्या हो जाएगी कि कैसे इन लोगों को रोज़गार दिया जाए, और रोज़गार ही नहीं, ऐसा रोजगार दिया जाए जिससे उनको मानसिक आर्थिक संतुष्टि भी हो। मतलब ये नहीं हो कि अगर वहाँ वो 50,000 प्रतिमाह पा रहे तो यहाँ उनको 5,000 पे 6,000 पे दे दिया जाए तो वो भी खुश नहीं होंगे, और उससे प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। तो एक तो चीज़ इनको समझाना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी मेरे ख्याल से इनको, काउंसलिंग भी इनकी करानी पड़ेगी, और इनको जहाँ तक सरकार अपने संसाधन में जो भी दे सकती है ये कह के कि ये सिर्फ वैकल्पिक व्यवस्था है, जब तक स्थिति ठीक नहीं हो जाती
तब तक हम आपकी जीवन यापन के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये कह के उन्हें कहा जाए ताकि उनको कोई परेशानी न हो। लेकिन सर, स्थिति ठीक होने होते होते अभी बहुत वक्त लग जाएगा। अगर वो बाहर से आ रहे हैं तो उनको दोबारा अपनी जगह जहां पर वो काम कर रहे हैं वहां जाने के लिए भी अभी बहुत वक्त लगेगा। अन्य देशों पर भी इसका, पूरी दुनिया पर असर है। देखिए, ऐसा है कि बाहर के देशों में, खास तौर से गल्फ कंट्रीज में, तो इन्हीं भारतीय मजदूरों और कामगारों की वजह से ही वहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है। अगर वो लोग वहाँ से आ गए तो वहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी और फिर से उन चीज़ों को शुरू होने के लिए, जैसा कि आपने बहुत सही कहा कि समय लगेगा। और अभी तो कोरोना के इफेक्टिव इलाज के लिए भी हमें पता नहीं है कितना समय लगेगा। लोग ये कह रहे हैं कि कम से कम सितंबर मान के चलिए, अगर सितंबर तक कोरोना का खात्मा हो भी गया तो मैं नहीं सोचता, बड़ी ग्लूमी पिक्चर है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है, अगर सितंबर तक कोरोना का खात्मा हो भी गया तो मैं नहीं समझता कि जनवरी से पहले कोई और आउटवर्ड मूवमेंट हिंदुस्तानियों का गल्फ की ओर या किसी और देश की ओर चालू होगा, क्योंकि अभी सब डरे होंगे। तो वहाँ भी हम ये मान के चलें कि साल भर हमें इस परेशानी से निपटना है, और इस परेशानी से होने वाली जितनी कोरोलरीज हो रही हैं, जितनी और इसके साथ की समस्याएं और दूसरी होंगी, उन सबसे हमें निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए।